नमस्कार दोस्तों, अतुल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि 22 जनवरी 2022 आज पहली शिफ्ट का बस कुछ ही क्षणों में पेपर छूटने वाला है और जल्द से जल्द आपको विशेष विश्लेषण आपको एनालिसिस करवाया जाएगा सारे स्टूडेंट के साथ। तो दोस्तों बने रहिएगा, हम बिल्कुल चलते हैं, पेपर बस छूटने वाला है और आपको इस एनालिसिस का बिल्कुल फायदा होगा। जैसा कि इसके पहले एनालिसिस में हम लोगों ने बताया था, सेम पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे, तो आज भी दोस्तों हम बिल्कुल यही पता लगाने आज फिर आपके सामने आ चुके हैं कि एग्जाम सेंटर से जस्ट बाहर की ओर खड़े हैं अभी, कि जैसा ही पेपर छूटेगा आपको पहले ही सबसे पहले हम बताएंगे कि आज की शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेटेज आया था और कौन से पैटर्न से नए नए टाइप से क्वेश्चंस बने थे। तो दोस्तों बिल्कुल बने रहिएगा, जल्द से जल्द हम आपको इसी समय पे विश्लेषण करवाएंगे। तो जैसा कि बस पेपर छूट ही गया है तो जल्द से हम आपको एनालिसिस करवाते, चलते सीधे हम बच्चों की तरफ कि पेपर कैसा गया है, एनालिसिस का पूरा हम उनसे विश्लेषण करेंगे कि कैसा पेपर आया। तो जैसा कि पेपर बस छूट ही गया है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी आपका नाम? जी विपिन यादव। विपिन यादव जी, तो पेपर कैसा रहा आज का? पेपर तो मॉडरेट भी था, नॉर्मल भी था, कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब जीके में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे एंड रीजनिंग नॉर्मल थी, मैथ भी नॉर्मल था। रीजनिंग और मैथ्स नॉर्मल हमारा आया था। तो आपके नंबर कितना है? सर मेरे 69 स्कोर रहा है। 69 है। कैटेगरी? सर ओबीसी। ओबीसी है। तो पैटर्न कैसा देखा आपको मैथ्स में, क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिला आज के? मैं एवरेज से आया था, ईस्ट से आया था एक क्वेश्चन और कंपाउंड इंटरेस्ट से दो क्वेश्चन आए थे और सिंपल इंटरेस्ट से केवल एक आया था और दो ज्योमेट्री से आए थे, उसमें एक में एंगल फाइंड करना था, ठीक है। और जी के साथ थोड़ी को मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आया, कुछ एमपी से क्वेश्चन आया था, एक किशोर कुमार से क्वेश्चन रिलेटेड आया था, मतलब किशोर कुमार को कौन सा सम्मान मिला, मतलब किशोर कुमार को कौन सा सम्मान मिला, मतलब सम्मान सा अवार्ड से रिलेटेड आज क्वेश्चन देखने को मिले। और इनके अलावा? और सर इनके अलावा मैं तो ठीक ही था, एस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। हाँ, एमपी जी के में करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ साइंस में, करेंट से तो एक भी नहीं आया, एक जरूर आया था मतलब जो अभी 2019 में मतलब मध्य प्रदेश में बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन थे। हाँ, और करंट में एक दो क्वेश्चन के अलावा करंट में कुछ नहीं आ रहा सर। नहीं आया। तो एमपी से आपने भी पेपर दिया? नहीं दिया आपने। तो एमपी से और कुछ क्वेश्चन? सर एमपी से याद नहीं आ रहा, एक तो यही आता मैं मध्य प्रदेश में बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, एक मध्य प्रदेश किशोर कुमार से रिलेटेड आया था, ठीक है, बलराम जी। तो कैसा रहा पेपर आज का? अच्छा रहा। तो मैं विभाज्यता का नियम आया था 3 से 4। हाँ, और सिंप्लीकेशन आया था 3। सिंप्लीफिकेशन देखा। एमपी जीके भी आई थी। एमपी जीके में क्या क्या आया था? एमपी जीके में खेलों से संबंधित आया। किससे? खेलों से, खेल से संबंधित। कितने नंबर आए आपके? 60 आए। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपका नाम? रेणुका राठौर। तो कैसा रहा पेपर आज का? बहुत अच्छा, बढ़िया रहा। तो देखो रेणुका जी तो मेरी स्टूडेंट है, तो हमें यहीं पे मिल रहा है, तो 71 नंबर आए हैं। तो पूरा पेपर का एनालिसिस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, हर एक चीज का डिटेल में आप बता दीजिए। आज का पेपर तो बहुत सरल लगा मेरे को, इतना टफ नहीं था, बस मतलब जीके लगा मुझे जो मैंने नहीं पढ़ा तो आउट आया है। क्या क्या जीके के कुछ क्वेश्चन? मेरे को नहीं, कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी एमपी से रिलेटेड? एमपी से तो कुछ नहीं आया, कम आया। हाँ, तो जैसे सुना था किशोर कुमार से रिलेटेड? हाँ, किशोर कुमार से सम्मान से आया था कुछ, कौन सा सम्मान मिला, कौन सा सम्मान मिला था। और उनके अलावा बैडमिंटन के अध्यक्ष का भी नाम पूछा गया था। हाँ, और कुछ मैथ्स रीजनिंग में? रीजनिंग तो बहुत सरल थी इस बार। क्या क्या आया था कुछ? सिलोलिज में था और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग थी और वो वेन डायग्राम थे, वेन डायग्राम जो अभी अपन थोड़े दिन पहले ही जस्ट पढ़े थे क्लास में। और मैथ्स में? मैथ्स में CISIS आए थे और वो उससे थे, टाइम वर्क से था, टाइम एंड वर्क से, इतने ही थे। चलो बढ़िया है, 71 नंबर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको भी। ओके, थैंक यू जी। जी आपका नाम? जी नाम मेरा सर आकाश सिंह रघुवंशी। आकाश सिंह रघुवंशी, कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक रहा सर। ठीक रहा, कितने नंबर आए? 62 नंबर आए। 62 नंबर आए हैं। तो कैसा रहा पेपर, मॉडरेट था, इजी था या बहुत टफ आज का पेपर देखने को मिला? नॉर्मल पेपर था। नॉर्मल पेपर था। जैसे शुरुआत में कैसा चल रहा था? बहुत हाई चल रहा था कि टफ आ रहा था, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी चीजें टफ आ रही थी। तो आज का पेपर देखने में टफ था, मैथ्स टफ थी कि रीजनिंग टफ था या जीके जीएस पे? इसमें सर जीके थोड़ा टफ था लेकिन मैथ नॉर्मल था, रीजनिंग भी ठीक थी, रीजनिंग में कथन निष्कर्ष वगैरह सही थे। हाँ जी सर। तो जैसा मैथ्स में पैटर्न अभी कुछ दिन पहले ऐसा चल रहा था कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे थे, क्या आज भी ऐसा देखने को मिला क्या? नहीं सर, क्वेश्चन के आंसर्स तो आए हैं लेकिन वो क्या है, कुछ पॉइंट में दिया है लेकिन अपना आंसर आ रहा है उसमें, जैसे
सम में या विषम में आ रहा है, तो उसे आंसर उन्होंने पॉइंट में दिया है। तो कैलकुलेटिव थोड़ा सा ज्यादा था। जी जी बिल्कुल। चलो बढ़िया है। इनके अलावा और जीके जीएस एमपी में? जीके का तो सर एक नंबर पे, जीके में एक नंबर क्वेश्चन आए थे। हाँ, जैसे कि अपना ये संगीत के क्षेत्र में आया था पहला क्वेश्चन। हाँ, संगीत के क्षेत्र वाला। और दो क्वेश्चन आए थे इसमें संगीत के क्षेत्र में, कौन सा पुरस्कार मिलता है और किसको दिया गया था इसका? सुपारी खिलौने वाला आया था रीवा से। नहीं, मतलब क्वेश्चन था कि सुपारी खिलौने कहाँ के लिए, और सचिन तेंदुलकर ने 10,000 रन कहाँ कौन से मैदान में पूरे करे, कौन से स्टेडियम पर कंप्लीट करे थे, वो भी एमपी से रिलेटेड ही है सारे। और एक वीरेंद्र सहवाग वाला आया था, उनका दो शतक मारा उन्होंने, तो उनका उच्चतम स्कोर कितना था? जी 210-207 ऐसा कुछ था। हाँ, और क्या क्वेश्चन मैंने, मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस मैथ्स में लगभग सीआईएसआई के दो थे, दो क्वेश्चन आकृति वाले आए थे। जी आकृति वाले सिंपल थे, वो खास थे, और मैथ्स कैलकुलेटिंग का, मैथ्स कैलकुलेटिव ज्यादा जैसा रोज देखने को मिला वैसा ही ज्यादा टफ मिला। रीजनिंग में एक तो वाले, मेरे को उसका नाम तो मालूम नहीं है किसका? आप या वाले A0, 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 या बी ए बी नोट ऐसा वाले थे क्वेश्चन, ए बड़ा है बी से ऐसा। फिर मैंने भी दो दिन पहले पढ़ा यूट्यूब में देख के उसको। चलो तो कथन निष्कर्ष ही बोल सकते हो, पूर्व धारणा टाइप जो आते हैं। उनके अलावा जीके जीएस एमपी से या करंट अफेयर्स से वाला था अपने खंडवा से, कौन से हैं यार उनको, संगीत कुमार। हाँ, किशोर कुमार को कौन सा अवार्ड मिला था अभी हाल ही में, है ना। और आपको कुछ क्वेश्चन याद एमपी के बताई दी? अच्छा, कितने नंबर कितना है? 70 है। 70 है, और बढ़िया अच्छी बात है, 70 नंबर स्कोर करना है। 73 है, तो देखो हमारे साथ 73 नंबर वाले भी जुड़ चुके हैं। अच्छा इधर आ जाइए। तो 73 नंबर, तो कैसा रहा आज का पेपर, क्या क्या चीज आई? सर मैथ तो कैलकुलेटिव आ रहा है, मतलब जो कोई डर जाएगा उसको देख, मतलब पॉइंट में आ रहा है, पॉइंटों में आंसर आ रहा है, मतलब लेंदी बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन हमारी बहुत लेंदी आ रही है। इन्हीं के अलावा मैथ्स में एक एक अपन टाइप वाइज पूरे चलेंगे। मैथ्स में, मैथ में सर ऐसे मतलब सीआई एसआई और लाभहानि वगैरह थोड़े बहुत, इसके बाद कैलकुलेशन सरलीकरण, और दो तीन क्वेश्चन तो गलत आ ही रहे हैं उसमें, गलत क्वेश्चन आ ही रहे। हाँ, वो मतलब आंसर आज भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए जिनके आंसर देखने को नहीं मिले। और अब रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में और क्या क्या था? रीजनिंग का अच्छा फॉर्मेट आ रहा, मतलब उसमें घनों को, अब एक नया फॉर्मेट चला है, घनों को काटना, कटान बिंदु कितने होंगे, घन घनाप वाले जो पूरा रहता है उनको किसी उसको काटने वाला पूछा गया होगा, तो उसका क्वेश्चन बता सकते क्या पूछा था उन्होंने? ऐसा पूछा था 216 है, 216 घन है, उनको काटे जाता है तो कितने भागों में विभक्त होगा, ऐसा था। हाँ, तो उससे पूछा होगा छोटे घन कितने बन सकते हैं। और इनके अलावा अगर बात कर अपन एमपी करंट अफेयर जीके जीएस बायो, मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, रेंगुर मिट्टी किस मिट्टी, रेंगुर मिट्टी के बारे में पूछा था, किस मिट्टी को कहा जाता है। इसके अलावा और भी थे, जैसे एक भैया ने बताया था वो चले गए, किशोर कुमार वाला था, और इसके अलावा और भी थे खिलौना। हाँ, प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के बारे में। हाँ, इसके बाद ये पूछ रहे हैं वो, मतलब 2011 में मध्य प्रदेश के बजट, मतलब वो कौन से नंबर पर आ था, वो शिक्षा के स्तर साक्षरता के, वर्ष 2011 की जनगण मतलब रैंकिंग भी वो पूछने पूछ रहा था, रैंकिंग पूछा। और कुछ याद है साइंस से रिलेटेड, बायो में डायग्राम दे रहे हैं, दो तीन डायग्राम आए थे, ये बताइए किस जीप का डायग्राम है, मतलब जो रेगुलर पैटर्न चला उस टाइप में, पैटर्न में रोज एक डायग्राम आपको चित्र दे रहा है, वो चीज पूछ रहा है कि वो चित्र है डायग्राम किस चीज का है। हाँ, यही तो पूछ रहा था। तो आज किसका था कुछ बता सकते हैं? उसमें थे ऐसे कुछ येलो डायग्राम था ऐसा, उसमें पूछा था, नाम ही पढ़ने में नहीं आ रहा था, ऐसे ऐसे नाम तो ऐसा था। तो चलो कोई बात नहीं, आपको 73 नंबर है आपके, तो बधाई हो, बस शुरू कर दो आप तो रनिंग के लिए जितनी जल्दी हो सके। तो दोस्तों हमारे साथ में 73 नंबर भी है, सर आपका एक बार नाम फिर बता दीजिए। अभिषेक श्रीवास्तव, आरन जिला गुना। तो ये गुना से आए हैं, इंदौर पेपर देने। तो आप जो एनालिसिस हम करवाएंगे स्टूडेंट को लिए, जो कल और आने वाले समय में जो पेपर देंगे, अभी भी 20-25 दिन पेपर और देना बाकी है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि पेपर की तैयारी कैसे करें? एनालाइज देखते चलें, फॉर्मेट धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, बोलने क्या एडवांस मैथ के भी कुछ दिए थे, वो एडवांस मैथ की तरफ जा रहे हैं ज्यादातर, उन्होंने समांतर के समांतर चतुर्भुज के लगभग 4 क्वेश्चन रखे थे उन्होंने, पॉइंटों में थे, बस कुछ नहीं करना था, बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन उसमें पॉइंटों में आंसर था, पॉइंटों में देख के बच्चे डर रहे हैं और कुछ नहीं है उनमें बस। चलो तो मतलब ये बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। एमपी में से आप बता सकते हैं कि और क्या क्या कुछ क्वेश्चन आपको और याद आ रहे हैं एमपी से रिलेटेड? एमपी से रिलेटेड लगभग 5-6 क्वेश्चन ही थे ऐसे ही, लेकिन सर इतना क्लियर याद नहीं है। चलो ठीक है, अपन फिर बिल्कुल बधाई हो आपको, रनिंग स्टार्ट करिए, तो आपका ऑलमोस्ट सिलेक्शन वैसे भी हो चुका है।
चलो तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ रोज बने रहिएगा, क्योंकि हम इसी चैनल पे इसी समय दोनों शिफ्ट का एनालिसिस आपको प्रॉपर हर एक स्टूडेंट से देंगे, जो आपका टॉपर भी दिखेगा उससे भी देंगे, और जिसको कम नंबर आए उससे भी हम बिल्कुल बातचीत करेंगे। तो आपको रोज एनालिसिस ऐसे ही देखना है यूट्यूब चैनल पर, हम इसी समय पर रोज मिलेंगे। और आपको अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके सब्सक्राइब भी करना।